वेलकम टू माय रिव्यू ऑफ टाइगर कैंप। बेसिकली मैं 2-3 दिन की छुट्टी बनाने आया हूँ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने सोचा एक रिव्यू भी बना लूँ यहाँ पे टाइगर कैंप्स का। इस बेसिकली इन जिम कॉर्बेट रामनगर, और ये ढिकुली मतलब रामनगर से अराउंड 7-8 किलोमीटर आ गया है मेन रोड पे। और लेट्स गो इनसाइड एंड सी हाउ इट इज़। गो आई बीपो से बुकिंग कराई थी और उस पर ये मेरे को 2 रूम्स डिलक्स रूम्स 18,000 जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था, तो अप्रॉक्सीमेटली 4,500 रुपये करीब मेरे को पर डे का पड़ा विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और लेट्स गो एंड टूर एंड सी यू अराउंड दिस टाइगर कैंप्स। ओके, सो ये अब हम रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। ये रिसेप्शन एरिया है और एक सफारी है, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है सफारी से रिलेटेड। हाँ, ये एक और जगह है गोआइबिबो 4.5। सो दिस इज़ द रेटिंग जो गाइस मैंने देखी थी और इसी रेटिंग्स को देखते हुए मैंने यहाँ पे आया। और सर आपका नाम? सर राहुल। तो ये राहुल फ्रंट ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं सर। सो लेट्स गो इनसाइड। सो गाइस ये यहाँ पे कुछ कॉटेजेस हैं स्टार्ट होते ही जब आप वहाँ पार्किंग से आते हो, और ये अंदर एक बहुत अच्छा मतलब एक थोड़ा जंगल वाली फीलिंग टाइप है। जब बाहर से आते हो ना तो बड़ा ऐसा लगता है छोटा सा है, पर अंदर जब आप जाओगे ना तो ऐसे खुलता चला जाएगा। ऐसे पैसेज बने हुए अंदर और पूरा फॉरेस्ट टाइप, मतलब फॉरेस्ट क्या मतलब पेड़ ही पेड़ है। और चिड़ियों की आवाज़ अगर आप सुन सकते हो, मैं थोड़ी देर शांत रहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कॉटेजेस हैं, आई थिंक आई डोंट नो ये डिलक्स है नॉर्मल है, सब एक जैसी ही लग रही है मेरे को। और यहाँ से भी एक ऐसे पाथ जा रहा है अंदर तरफ, और ये भी पाथ वहीं पे जाके उसी में मिल जाएगा। ची 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 ची। और यहाँ से जब आप आते हो तो ये वही रास्ता है जो उधर से होता हुआ आ रहा था, यहाँ पे आके मिल गया। यहाँ से अगेन आप लेफ़्ट की तरफ जा सकते हो, वहाँ पे कुछ कॉटेजेस हैं। और अगर आप इधर जाते हो तो ये सामने हमारा रेस्टोरेंट कम बुफे सेंटर इंस एवरी थिंग। और ये भी बड़ा वो जंगल टाइप लुक में बनाया है थोड़ा सा, मतलब यू नो दैट हार्ट टाइप लुक्स गुड। एंड अंदर जो लाइटिंग वाइटिंग है, एम्बियंस है, लुक्स वेरी गुड इफ यू कैन सी। उसके अराउंड आप जाओगे तो रात को यहाँ पे बॉनफायर हो रही थी एक जगह, यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, दे वर हैविंग ए गुड टाइम। और ये वही आपका रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कल रात हम बैठे हुए थे और यहाँ पे बुफे था, और बुफे कह रहा हूँ मतलब बॉनफायर चल रही थी। ये अपना तंदूर है, वो देखिए तंदूरी चिकन बन रहा है एकदम मस्त गर्मा गर्म। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? ये क्या शाम की तैयारी है? ये बटर चिकन है शाम को ना। अच्छा, खाने में आज बटर चिकन है भाई। तो बटर चिकन बन रहा है मस्त बुफे में। फिर शाम को यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी था और कुछ एक गिटारिस्ट आए हुए थे और उन्होंने गाने वाने गाए, मस्त था, बढ़िया था। तो अभी ये शाम की तैयारी होनी स्टार्ट हो गई हैं, अभी यहाँ पे 4:30 बजे और शाम की तैयारियाँ होनी स्टार्ट हो गई हैं। सो गाइस फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ से हम आए थे और यहाँ से मैं फिर इसका ऐसे पूरा सर्कल लेके उस साइड से आया, और इधर से भी आप आ सकते हो। फिर यहाँ से अगेन देर इज सम रूम्स हेयर सम रूम्स देयर। एक और जो खास बात है मैं आपसे शेयर करना चाहता था यहाँ के बारे में, कि यहाँ पे जो भी कॉटेजेस और जिस तरह से बनाई है ना, वो मतलब बहुत सोच समझ के बनाई है। ऐसे नहीं है कि मतलब कि आमने सामने है या एक ही जगह इकट्ठी करके बना दी हैं। जितनी भी जगह थी ना उसमें जिस तरीके से इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कॉटेजेस को, इट्स वेरी नाइस यू नो। मतलब सोचा समझा ये प्लान लगता है, कि ऐसे नहीं है कि भर दिए है कॉटेजेस ज़्यादा लोगों को, मतलब जितना ज़्यादा कॉटेजेस होंगे उतने ज़्यादा लोग आएंगे उतना इनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पर ऐसा नहीं है। दे हैव पुट द कॉटेजेस इन द राइट नंबर आई थिंक, कि जिस जितनी जगह है उस हिसाब से जितनी कॉटेजेस बनाई हैं इज़ गुड। ओवर क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं लगता कि कॉटेजेस हैं, और जिस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है और फिर उनके लिए वो जो रास्ते बनाए हैं इधर से उधर जाने के लिए, यू नो, सो दैट लुक्स गुड। मतलब इट्स अ थॉटफुल प्रोसेस, एंड वो भी एक यहाँ का यूएसपी है जो मेरे को लगा। ऐसा नहीं है कि एक जैसे ये कॉटेज है
तो इसके सामने एक कॉटेज है, ऐसा नहीं है मतलब यहाँ पे तीन चार कॉटेजेस यहाँ पे लाइन से, फिर दूसरी साइड हैं कॉटेजेस कुछ लाइन से, ऐसे नहीं है कि आमने सामने कॉटेजेस हैं। आप अपने रूम के बाहर बैठे हुए हो और सामने कोई है रूम, वो आपको देख रहे हैं आप बाहर बैठे हुए हो, मतलब ऐसा नहीं है। तो इट लुक्स इंडिपेंडेंट, थोड़ी फीलिंग आती है इंडिपेंडेंट वाली। फिर यहाँ से हम आ गए हैं नीचे, सो दैट इज़ द स्विमिंग पूल साइड, मैं अभी वहाँ पे जाऊँगा, दैट्स अमेजिंग। तो ये ऊपर वो आपका वहाँ पे वो था जो आपका खाने पीने का था, जहाँ पे वो मैं आपको बता रहा था प्रोजेक्टर लगता है, ऐसे घूम कर आए इधर। यहाँ पे आपका टीटी टेबल है सामने, थोड़ा सा मेस्ड अप है पर स्टिल कवर्ड है, चारों तरफ नेट लगा हुआ है, तो आपको हर शॉट के बाद बॉल को लेने नहीं जाना पड़ेगा दूर कहीं, चारों तरफ कवर्ड है। टेबल की हालत थोड़ी खस्ता है पर स्टिल इट्स प्लेबल एंड एवरीथिंग इज़ देयर। यहाँ पे कैरम है आपका, कैरम लगा हुआ है, कैरम खेल सकते हैं आप। बैडमिंटन के रैकेट्स हैं, शटल है, वो हम कल खेल रहे थे, और बाकी ये सब अभी ऐसे ही है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे यहाँ पे भी आप देखो काफ़ी लॉन टाइप थोड़े बड़े बड़े एरियाज हैं, जहाँ पे आप और भी कुछ अपने आप भी अगर एक्टिविटी कुछ करना चाहते हो तो उसकी भी काफ़ी जगह है। तो उसके बाद अब आ गए हैं हम पूल साइड पे एंड दिस इज़ अमेजिंग। दिसंबर स्टार्ट होने वाला है और उसके मतलब सीरियसली ठंडा पानी है, पर स्टिल हम यहाँ पे आए हैं और पूल इतना अमेजिंग है और व्यूज़ इतने बढ़िया हैं, तो यार पूल में जाना तो बनता ही है। लेट्स गो इनटू द पूल। यस, सो गाइज आई एम एट द स्विमिंग पूल एट टाइगर कैंप्स, एंड जो मैं आपको रिव्यू इतनी देर से मैं आपको बता ही रहा था यहाँ के बारे में, तो लेट्स गो टू द डिटेल। स्विमिंग पूल पानी एकदम ठंडा है और आज थिंक 25th ऑफ नवंबर है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, पानी बिल्कुल ठंडा था पर स्टिल मन था कि यार पूल में तो जाना ही है मतलब। तो दोपहर को करीबन 12 से लेके 2:30 बजे तक, जब तक धूप डायरेक्ट पड़ रही है तब तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं है भाई, मतलब कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा लगा पानी में, धीरे 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 पैर बिल्कुल सुन हो गया था, एकदम ठंडा पानी है। पर यू नो पानी के लिए मतलब मैं खुद स्विमिंग पूल के लिए मतलब पागल हूँ, अगर मैं आया हूँ तो मेरे को जाना ही होता है। कि सेम केरला में जब गया था इवेंट अपने फ्रेंड के साथ गए थे, वहाँ पे भी बिल्कुल ठंड थी, ओवरकास्ट था, बादल थे मुन्नार में, और तब भी हम मतलब लोग स्वेटर जैकेट पहन के बैठे थे, तब भी हम पूल में गए थे। मतलब इसको कुछ लोग पागलपन का हो या कुछ भी का हो, मतलब वी लव इट। सो अगेन हेयर इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल इज़ मेंटेन्ड वेरी नाइसली। ओके, अगर ये ऑफ सीज़न है, जब सीज़न हो कुछ लोग भी होंगे तो कैसे मेंटेन करते हैं, पर आई स्टिल सी कि जिस तरह से भी ये मेंटेन किया है, मतलब अभी लोग कम है, शायद कोई भी नहीं है, हम ही हैं, पर स्टिल वाटर इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, सराउंडिंग्स इज़ वेरी क्लीन ऑल अराउंड इट, और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है पता है। मतलब अगर आप वहाँ पे देखो वहाँ पे, तो वहाँ पे छोटा सा एक झरना है जहाँ से वो 2-3 स्टेप्स में पानी पूल में आ रहा है, वहाँ पे भी आप बैठ सकते हो, उसके ऊपर भी वहाँ पे बैठने का मतलब अच्छा है। उसके बाद पूल की लेंथ काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है छोटा सा पूल बना दिया है, इट्स ह्यूज कंपेयर टू लाइक लॉट ऑफ देम, इट्स वेरी गुड साइज। सो गाइज अब हम चलते हैं और आगे। आप जैसे जैसे पीछे जा रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में जब घुसे थे तो बड़ा छोटा सा लग रहा था, कि मतलब जब आप जहाँ कार पार्किंग थी बस 5-6 गाड़ियाँ ऐसे लग रहा था, पर जब आप अंदर आते जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है इससे खुलता जा रहा है पीछे की तरफ, मतलब एंड इफ यू कैन सी अराउंड। सो गाइज ये देखिए अब ग्राउंड्स, मतलब एक्चुअल में ग्राउंड्स हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप ग्रुप में हो भैया, बैट बॉल लेकर आओ, फुटबॉल लेकर आओ, और यहाँ पर मतलब ऐसा आपको अच्छी अच्छी जगह नहीं मिलेगा। हम यही सोच रहे थे कि यार मतलब अगर और ग्रुप में हो, बड़ा ग्रुप हो कुछ लोगों, अपना क्रिकेट खेलो दबा के मस्त। दोपहर में इतनी बढ़िया धूप निकल रही थी, सुबह अपना 10-11 बजे से लेके 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, मतलब मज़ा आ जाता क्रिकेट खेलने में या फुटबॉल या कुछ भी। और ये तो अभी छोटा है, आप आगे जाओगे तो एक अच्छी वॉक भी है। इफ़ यू कैन सी, हम वहाँ से पूल वाली साइड से चलते हुए आ रहे हैं और एक लंबी ये वॉक है जो आपको बहुत ही अमेजिंग जगह लेके जाती है, वो मैं आपको धीरे धीरे वहीं लेके जा रहा हूँ। और ये भी एक और बड़ा सा ग्राउंड टाइप है, इधर कुछ खेती बाड़ी चल रही है जो भी है, पर इधर भी एक अच्छा खासा ग्राउंड है। मतलब पूरा यार मैं तो कह रहा हूँ 10-10-11 का मतलब 11 साइड टीम का टूर्नामेंट हो सकता है, मैच हो सकता है प्रॉपर क्रिकेट का यहाँ पे अच्छा खासा।
तो गाइज ये हम आ गए हैं रिवर साइड. यस दिस होटल हैज़ अ रिवर साइड, अ वेरी ब्यूटीफुल रिवर साइड, अमेजिंग. मतलब आप यहाँ पे आओ, इफ यू कैन सी, एक अगेन देर इज़ अ ह्यूज ग्राउंड, अ लॉन और वट एवर यू से, सी इट मैन. यहाँ पे अपनी चेयर्स लगी हुई हैं और सामने है नदी. ऐसी जगह आओ, रिवर साइड अगर मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाता है. यू नो मतलब जैसे पहाड़ों में जाओ तो आपको ऐसा रूम मिल जाए जहाँ पे नीचे नदी बह रही हो, और ऐसी जगह आओ जैसे जिम कॉर्बेट या नेशनल पार्क्स, ऐसी जगह पे आओ तो आपको अगर रिवर साइड कैंपिंग या वो मिल जाए ना तो उसका अलग ही मज़ा है यार. मतलब जस्ट चेक इट आउट मैन. सी द रिवर साइड, ये है कोसी नदी और उसमें अच्छा खासा पानी है. वो यहाँ पे कुछ तो फोटोग्राफी कर रहे हैं, बड़ा सा कैमरा लेकर आए हुए हैं. दे डूइंग सम आई थिंक बर्ड्स को ही क्लिक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स आती हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर क्लिकिंग. और यहाँ पे अपनी चेयर्स लगी हुई हैं, आप बैठिए यहाँ पे, हैव अ टी. मतलब यहाँ तक सर्विस नहीं होती है, दे डोंट सर्विस यू हेयर, आप अपने आप चीज़ें लेकर आओ यहाँ पे एंड यू कैन सिट एंड हैव अ गुड टाइम सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो दैट्स द होल आइडिया. सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग्स. तो पहली बात करते हैं एक्सपेंस का, जो मैंने आपको बता दिया 4500 रुपीज़ मेरे को पड़ा एक नाइट के लिए, डिलक्स रूम जिसमें आपका ब्रेकफास्ट था और डिनर था. मैंने लंच नहीं लिया था, पर आज मैंने लंच मेरे को करना था तो जो बुफे होता है यहाँ पे, बस एक चीज़ थी कि जब मैंने बुफे में कुछ लंच, वो क्या कहते हैं कि अगर आपने कोई डिश ऑर्डर करनी है तो वो कहते हैं कि जो बुफे में जो सब चीज़ें बनी है वही आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर जो उनका एक स्नैक्स का मेन्यू है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं. उसके अलावा खाने में, मतलब जनरली जो खाने में होता है लंच में और डिनर में, अगर आप उसको इंडिपेंडेंट भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो वही सब चीज़ें मिलेंगी जो बफे में हैं, जो कि गुड बैड जो भी है इसके बारे में. तो मैंने लंच का मैंने बफे ही कर लिया क्योंकि हम चार जने थे, तो जो बफे के चार्जेस थे वो 450 रुपीज़ पर हेड थे, और अगर हम चारों लेते तो वो हमें 20% डिस्काउंट दे रहे थे, तो हमें फेयर इनफ लगा और वी हैड द लंच. अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट में काफ़ी अच्छी चीज़ें थी. ब्रेकफास्ट में आपका इडली थी, आपका पम था, और आपके कॉर्नफ्लेक्स थे, जूस थे, ऑमलेट था, बॉयल्ड एग्स था, पोहा था, और आपका ब्रेड बटर जो टोस्ट वो था, कॉफ़ी टी और फ्रूट्स थे, और आपका पकौड़े थे, और हाँ यही सब चीज़ें थी, और एक था चॉकलेट की एक पेस्ट्री टाइप थी, वो कुछ मीठे में थी. तो ये गाइस ये सब चीज़ें थी ब्रेकफास्ट में. अगर मैं कल रात डिनर की बात करूँ तो देर वॉज़ वन डिश इन चिकन, एक चिकन की थी, एक मटन की थी, उसके अलावा पनीर था, चावल था, और दो तीन सब्जियां थी, रायता था, सलाद वलाद जो सब चीज़ें होती हैं, और स्वीट डिश में आपका खीर थी और उसके साथ एक बटर स्कॉच का केक था. फिर लंच में आज मैंने किया तो वही सब चीज़ें थी, आपकी दो तीन सब्जियां थी और चिकन की एक डिश थी और दाल थी और सैलेड, रोटियां के अलग अलग ऑप्शंस थे, नान रोटी लच्छा पराठा जो सब तंदूर में आप बनवा सकते हो. सो ओवर एंड ऑल मतलब ऐसा नहीं था कि अच्छा था, मतलब इट्स गुड. खाने की कुछ कंप्लेंट्स थी, मतलब हमारे साथ चार जने थे, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, किसी को अच्छी, ओके इट्स नॉट वन ऑफ नॉट द बेस्ट खाना, एकदम मैं ये नहीं कहूँगी हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट थी, पर ख़राब भी नहीं थी, वॉज अबव एवरेज, आई विल से अबव एवरेज. इसके बाद यहाँ पे बार नहीं है, दे डोंट सर्व लिकर, और अगर इफ़ यू वॉन्ट टू हैव ड्रिंक्स यू गेट योर्स. उसके अलावा स्नैक्स मेन्यू, कल मैंने एक दो स्नैक्स मंगाए थे वो अच्छे थे रात को. और ये चीज़ें हो गई खाने की. प्राइसिंग की मैंने आपको एक हद तक बता दी है कि 450 आपका लंच का बुफे होता है, सेम डिनर का होता है, और जो आपका ब्रेकफास्ट है वो 275 रुपीज़ का आपका बुफे और जो आपका ब्रेकफास्ट में उसके चार्जेस हैं. उसके अलावा मैं आपको बताऊं जो आपका स्टाफ है वो अच्छा है, स्माइलिंग है, गुड है, दे आर हेल्पफुल, यू विल फील कंफर्टेबल, दे आर नॉट, मतलब अभी तक मैंने कोई ऐसा फेस नहीं करा, कोई रिजिडनेस नहीं फील करी, वॉज परफेक्ट. रूम्स आर एब्सोल्यूट गुड, इफ़ यू कैन सी, आप मैं कुछ वीडियोज़ आपको अभी दिखा सकता हूँ रूम्स के कैसा था. रूम अच्छा था, वेरी गुड. लिनन विनन जो आपके सब थी, बेडिंग वो सब साफ़ सुथरी बढ़िया थी, मतलब और इवन आपके जो टॉयलेट्रीज थे वो सब भी वॉज वेरी गुड. सो उस केस में आई विल से इट्स अ गुड थम्स अप, और रूम और उसके बारे में सब चीज़ों को आई विल गिव इट अ थम्स अप लाइक अ 4 स्टार. कुछ कमी मैं अगर आपको यहाँ के बारे में बताऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कमी मैं क्या बताऊँ, ऑनेस्टली मेरे को ऐसे कोई कमी दिखी नहीं है अभी तक. कमी निकालने वाली बात है कि कमी निकालो तो
वाली बात है, पर मेरे को ऐसी कोई कमी लगी नहीं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सुबह एलिफेंट सफारी करी थी। एलिफेंट सफारी के यहाँ पे अलग अलग रेट्स हैं कि अगर आप रोड पे करोगे बाहर तो उसके 500 रुपये हैं, अगर आप नदी तक जाओगे तो उसके 1500 रुपये, अगर आप फॉरेस्ट वाली करोगे तो उसके 2 घंटे की होती है, वो 3500 रुपये हैं। तो हमने सिर्फ रिवर वाली करी थी जिसमें 1500 में हम 4 जने थे उसके ऊपर और मेरा छोटा बेटा था, तो 1500 रुपये थी उसकी। दैट इज़ मतलब फेयर इनफ, कम ज़्यादा फिर वही वाली बात आती है, टूरिस्ट जगह पर आओगे तो रेट्स थोड़े ऐसे ही होते हैं, इट्स लाइक, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, कम ज़्यादा तो सबके ऊपर है, पर फॉर मी इट वॉज़ लाइक फेयर इनफ एंड इट वॉज़ लाइक गुड। इट वॉज़ लाइक 30 मिनट्स की वो एक राइड थी कि मतलब आप एलिफेंट के साथ वो मेन रोड से पूरा होते हुए आप नीचे जाते हो, यहीं कोसी रिवर तक ही आते हो बेसिकली। जो आपने पूरी जर्नी करी है वो हाथी पे जर्नी करते हो, पर वो थोड़ा सा ना मतलब टेरेन जहाँ से हाथी आता है ये तो प्रॉपर होटल है, वो एक रास्ता बना हुआ है टेढ़ा मेढ़ा सा खेत में से, और फिर काफ़ी मतलब डिसेंट होके भी मतलब थोड़ा सा लगता है कि एडवेंचरस सा है। तो आप आते नदी तक ही हो, फिर वो नदी में अपना हाथी पानी वानी पीता है तो, और वहाँ पे आप अपनी फ़ोटो वोटो खींच सकते हो, उसके बाद वो वापस चला जाता है। सो गाइस, दैट वाज द टाइगर कैंप का जो मेरा रिव्यू था, आपको शायद पसंद आया हो। मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे को कुछ फैंसी वैंसी नहीं, जो है सो है, जो मैं हमेशा अपने बाइक के वीडियोज़ में भी रखता हूँ उसी में से रखता हूँ कि दैट्स द वे इट इज़, जो मेरे को लगा और जो मैंने आपको बताया, नो फैंसी स्टफ, दिस इज़ वॉट इट इज़। सो आई होप मतलब आई विल से कि हाँ मतलब कि इट्स अ गुड ऑप्शन, सम मतलब आप इसके बारे में रिव्यूज़ और भी पढ़ें, इधर उधर पढ़ें, अगर आपको सही लगे तो अच्छा है। फॉर मी इट वॉज गुड टिल नाउ, एंड टुमारो आई एम गोइंग फॉर द माई सफारी, जो मेरी बुकिंग है टुमारो मॉर्निंग टू डिकाला, उसका मैं रिव्यू आपको एक अलग वीडियो में बनाता हूँ कि कैसी वो जर्नी रही डिकाला में और हाउ आई बुक डेट, मतलब ऑनलाइन का जो प्रोसीजर है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है, बुकिंग तो आपको ऑनलाइन करानी पड़ती है और काफ़ी एडवांस में करानी पड़ती है। मैंने 1 महीना पहले करवाई थी डिकाला की मॉर्निंग की, तो उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके रिव्यूज़ में और बुकिंग के बारे में। टिल देन एंजॉय, हैव फन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।